राजस्थान पत्रिका का जो उद्देश्य मैंने अभी सुना कोठारी जी से, वह बहुत सराहनीय है कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि उदासीन समाज को जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें उन्हीं की समस्याओं के बारे में फिर से अवगत कराने के लिए हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया है, ताकि उन समस्याओं को हम फिर उठा सकें और अपने ही समाज तक दोबारा से पहुंचा सकें और उस पर कुछ ना कुछ कार्यवाही करी जा सके, हम भी करें और राजस्थान पत्रिका उसमें संपूर्ण सहयोग करें। जिस तरह से बताया अभी सह संपादक जी ने, जिस तरह से बताया कि वो कार्य करते रहे हैं, तो मैं दो क्षेत्रों से जुड़ी हुई हूँ, शैक्षिक और धार्मिक। तो मैं धार्मिक पहचान जो प्रयाग की है वह त्रिवेणी मैया, गंगा मैया, यमुना और विलुप्त हुई सरस्वती जी के संगम के रूप में जो पहचान मिली हुई है प्रयाग को, उसको ही हम त्रिवेणी मान के धर्म में प्रयाग की चर्चा करते रहे हैं। मगर अगर मैं धार्मिक इम्पोर्टेंस के रूप में अगर मैं बात करती हूँ प्रयाग की, तो धार्मिक पटल पर, वैश्विक धार्मिक पटल पर प्रयागराज की पहचान माघ मेला और कुंभ मेला और कुंभ मेला में व्यवस्था, इसी पर आधारित है। हम पौराणिक जो पहचान है प्रयाग की, जो पुराणों से, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों से जो प्रयाग की पहचान है, जो यहाँ कर यहाँ के जो धार्मिक स्थान हैं उनकी जो पौराणिक पहचान है, उसको अभी तक ऊपर लेकर नहीं आ पाए हैं, उनसे अभी तक पहचान नहीं बन पाई है। जबकि प्रयाग में नगर के अधिष्ठाता श्री विनी माधव जी की बहुत बड़ी पौराणिक एक महत्ता है, यहाँ पर बहुत सारे और तीर्थ हैं और शक्तिपीठ हैं, परंतु जब भी चर्चा वैश्विक धार्मिक पटल पर होती है तो प्रयागराज संगम और त्रिवेणी की होती है। तो एक तो यही मेरा मंतव्य है कि पौराणिक जो महत्ता है प्रयाग की, उसको हम किसी तरह वैश्विक धार्मिक पटल तक पहुंचा सकें। दूसरा ये है कि हमेशा ही हम माघ के महीने में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हैं और उस समय हम उनकी व्यवस्था बनाने की, उनकी सुख सुविधा बनाने की, सरकार प्रशासन हम सब धार्मिक संस्थान भी उस समय तो त्वरित और मैं कहूँगी कि कुछ सीमित समय मात्र के लिए कोशिश करते हैं कि उन श्रद्धालुओं को जो बाहर से आ रहे हैं उन सबको सुविधाएं दे सकें, मगर ये थोड़े समय के लिए है। मगर हम ये नहीं देख पाते, हम खुद ही भी, हम अपने धार्मिक संस्थानों के को भी और सरकार को भी और प्रशासन को भी ये कहना चाहते हैं कि साल भर श्रद्धालु प्रयाग आते हैं और हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जिसमें संगम में स्नान करके किसी एक धार्मिक स्थल का दर्शन करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। मगर उन श्रद्धालुओं को जो साल भर आ रहे हैं, पूरे साल भर जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुख उनकी सुविधा के लिए और उनके कंफर्ट के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए अभी तक हम नहीं देख पाए हैं कि कोई कार्य होता होगा। तो इसी चीज को कहते हुए धन्यवाद। थोड़ा सा संक्षिप्त रहे तो सबको अवसर एक मिल जाएगा, किसी को फिर भी पूरी बात लगता है कि नहीं कह पाए तो वो मुझसे बाद में भी मिल सकते हैं या हमारी टीम को हम आपके यहाँ भेज सकते हैं, आप हमको सूचना देंगे तो आपकी पूरी बात, कई व्यापार मंडलों में निर्णय पड़ती है, हम आएंगे। सर मैं अवंतिका टंडन, महिला व्यापार मंडल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ
प्लस एक बिजनेस वुमेन भी हूँ, जो कि हमारा के प्रोफेशन जो है वो वीडियोग्राफी, कोरियोग्राफी और ये स्टूडियो से रिलेटेड रहा है, और 100 ईयर्स हमें कंप्लीट हो चुके हैं इस साल अलाहाबाद में। तो ये जैसे कि आपने कहा कि यहाँ कई मुद्दे हैं जो लोगों ने उठाना बंद कर दिया है, तो मोस्टली क्या है कि लोग उठाते हैं आवाज, अगर कोई सुनने वाला ही ना हो तो किस लिए उठाया जाए। मगर मेरा ये मानना नहीं है, मैंने पैंडेमिक के थ्रू, पैंडेमिक के टाइम में काफी मुद्दे उठाए थे, जैसे कि फीस को लेके उठाए थे। हाँ, मैंने दिनेश शर्मा जी जो है हमारे पीसीएम जी, उनके सामने भी उठवाया था ये कि, और न्यूज़पेपर के थ्रू भी उठवाया था ये मुद्दा कि जो फीस है वो हम लोग को ट्यूशन फीस पेरेंट्स से ली जाए, जैसे व्यापारी जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर वही है, उसको बेनिफिट्स उस समय कुछ भी नहीं मिले कि हम लोग को कोई रिलीफ पैकेज मिला हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ रिबेट्स मिली हो या टैक्स में, ऐसे कुछ भी। तो हमने ये मुद्दा उठाया था। उसके बाद ये हुआ भी कि उन्होंने सर्कुलर निकाला एक कि ट्यूशन फीस के अलावा स्कूल विल चार्जेस नो अदर एक्स्ट्रा फीस। बट ऐसा जब हमने स्कूल में बोला, बहुत बड़ा स्कूल है जो इंस्टीट्यूशन यहाँ का, उसमें बोला तो उन्होंने बोला दे डिडंट गेट एनी सर्कुलर अबाउट इट कि ऐसा कुछ हमें करना है, हम तो पूरी फीस चार्ज करेंगे भाई। अब पढ़ाना है तो वही चीज हो जाती है कि पेरेंट को पढ़ाना है तो पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाना तो छोड़ देगा। तो ऐसे कई मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे छोटे छोटे बिजनेस सारे, बट वो नहीं माने गए और कुछ उस पर हुआ भी नहीं एक्शन। बाकी चीज आपको अंकल, थैंक यू सो मच सर। राधे राधे, जय श्री महाकाल। माननीय हमारे कोठारी जी, आपको नमन। और आज सभा में सभी बुद्धिजन हमारे बंधुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि धार्मिक बारे में हमारे महामंडलेश्वर जी ने बहुत सारे बात व्याख्या कर चुके, तो मैं उसमें नहीं जाती हूँ, मैं अपने समाज की जाती हूँ। क्योंकि हमारे किन्नर समाज में ही रहता है मगर समाज के अनदेखा है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग है। जब 2014 आया नालसा जजमेंट, तभी हमारे समाज को स्वतंत्रता मिला, तो ये बहुत बड़ा विडम्बना था। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी हमारे ट्रांस बच्चे लोग के लिए, हमारे किन्नर बच्चों लोग के लिए बहुत सारे समाज में सफर करना बहुत समस्या की बात होती है, क्योंकि प्रशासन भी हमारे बच्चे लोग के साथ इतना शोषण होती है और समाज में भेदभाव होती है, वो शिकायत लेके जाते हैं प्रशासन में, फिर भी वो अनदेखा कर देते हैं बहुत ही। और मैं किन्नर समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य हूँ और किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या नंद टीना मैम, धन्यवाद। सबसे पहले मैं बड़े भैया गुलाब कोठारी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रयागराज के धर्मभूमि में कि आप आए और इतनी बड़ी पत्रिका आपने सोचा कि उत्तर प्रदेश से लाएंगे और लॉन्च करेंगे। दूसरा सवाल हमारा ये था कि पत्रिका आज की डेट में, जैसे हम लोग के इलाहाबाद में या कहीं पे भी मैंने देखा, जो आप नई पीढ़ी की बात कर रहे थे, नई पीढ़ी की सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, बाहर भेजें, अच्छी संस्कार दें, उनको अच्छा एक समाज में स्थान ग्रहण करने के लिए उनको ऐसी शिक्षा दें कि वो अपने आप को ऊपर ले जाएं। अगर हम उन मूल मंत्रों से दूर होते चले जा रहे हैं कि हमारे घर में ज्यादातर अधिकांश हमारे घर में आते ही हिंदी पेपर, बच्चे पेपर पढ़ना नहीं चाहते, वो न्यूज मीडिया के थ्रू ही जिनको जो नॉलेज देनी है उसका वो ग्रहण कर लेते हैं। तो एक ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि न्यूज पेपर जो हम लोग के घरों में आते हैं वो हिंदी मीडियम के पेपर ज्यादा आते हैं बजाय इंग्लिश मीडियम के। दूसरा मेरे दिमाग में और भी जो सवाल थे कि लोकल कवरेज, मैं रितेश सिंह, मैं रेलवे एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर, इलाहाबाद के रेलवे एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी हूँ, सिलाई व्यापार मंडल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ
और रूटरी प्रयागराज प्लैटिनम का प्रेसिडेंट भी उस वक्त हमारा अपना प्रतिष्ठान है पहना वाले रिवेल गार्मेंट्स करके बोर्ड ब्लाइंड वेनियर का अपना डिस्ट्रीब्यूशन का कई कंपनियों का काम है, फोलर कंपनी है, इवेंट कंपनी है, कई है। तो उसमें मैं चाह रहा था कि जो आप निष्पक्षता, साहसिकता और विश्वसनीयता की बात कर रहे थे, इसका मूल उद्देश्य और कारण क्या है? हमारे अखबार जितने भी हिंदुस्तान के अंदर है या यूपी में या कहीं बाहर है, तो वो आपने कहा कि सब सरकार के पक्ष में हो जाते हैं, सरकार के पक्ष की भाषा बोलते हैं, कुछ पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं, जैसा सरकार, जैसे सरकार ने खरीद लिया, वो तो आजकल अब चैनलों में भी हो गया है। कई चैनल्स उन्होंने सरकार ने खरीद लिया और मुसाफिर चैनल अपने हिसाब से गवर्न कर रहे हैं। तो ये जो मिसगाइडेंस इन द पब्लिक, इन द समाज में जो कर रहे हैं ये चैनल्स वाले या पेपर वाले, उससे समाज में लोग बड़ा भ्रमित हो रहे हैं, उससे उनके दिमाग में इतनी ज्यादा भ्रमित आ गई है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो हमको जानना बहुत जरूरी है। बाकी तो जो है वो है, अब हम लोग आज धन्य हुए कि आप आए और आपने हम लोग की बात के लिए हम लोग आमंत्रित किया, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट बात एक ही बात कोई नहीं बोल रहा। मैं विजय गोड़ा अध्यक्ष प्रयाग व्यापार मंडल से हूँ। व्यापार सर, मैं व्यापारी समाज से जुड़ा हूँ। मुद्दे तो सभी लोग अपने अपने उठा रहे हैं। इलाहाबाद तीन चीजों से जाना जाता है, एक प्रदेश का हाई कोर्ट, एक संगम और दूसरा यहाँ पर व्यापारी जो समाज के लोग हैं। रैनी में पूरी इंडस्ट्री थी जो आज बड़ी बंद पड़ी है। सरकारों से हम लोगों ने कई बार अपील की है कि रैनी की बंद इंडस्ट्रियों को खुलवाया जाए। वहाँ रैनी औद्योगिक क्षेत्र है और वहाँ पे इंडस्ट्री खुलेगी तो लोगों को काम मिलेगा, हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा, हमारे देश का सामान हमारे देशवासियों को मिलेगा। मगर इनके बावजूद, इतना कहने के बावजूद चुनाव भी आते हैं और हमारी डिमांड्स भी रहती है, चुनाव खत्म हो जाता है, बातें खत्म हो जाती हैं। हम लोग की बड़ी इच्छा है कि कुंभ मेले पे, जैसे अभी विभूति जी ने बताया और हाईकोर्ट तो अपने हिसाब से ही चल रहा है, तो एक अलग चीज है, मगर जो नैनी की बंद इंडस्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, खुलनी चाहिए। अभी जो बहुत बड़ी महामारी कोरोना की पूरे विश्व में रही, हमारे देश का अगर उत्पादन ना होता तो हमारे देश का आदमी वो हर चीज़ कैसे पाता, क्योंकि जो चीज़ें बाहर से आती थी वो अपने ही कंट्री को दे रही थी। हम लोग की बड़ी इच्छा है अगर आपके माध्यम से ये आवाज़ें सरकार तक जाएं और हमारा क्षेत्र का या हमारे प्रदेश का जो भी आदमी उसको रोजगार मिले, हमारी फैक्ट्री आए, हम लोग इससे बड़े रेडी रहेंगे। और हम व्यापारी समाज से आपका अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे बीच में आए और हमारी समस्या को जानने के लिए आए, ये सबसे बड़ी बात है। आना एक अलग चीज़ है, समस्या को जानने आए और उस समस्या की आगे लड़ाई लड़ना आए, हम लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। ये इस बात के प्रति, कानपुर में थे हम जी, तो कानपुर की सब कपड़ा मिले बंद पड़ी है जी। तो उनके जो अध्यक्ष थे चतुर्वेदी जी, हमने उनसे बात की जी, ये चालू क्यों नहीं हो रही। उनका कहना था कि हर मिल के पास इतनी जमीनें बड़ी हैं कि वो तो खाली ये चाहते हैं कि हमारा काम करने की जरूरत ही नहीं है, हमको जमीन बेच बेच के हमारी सात पीढ़ियाँ खा लेगी। देखिए अब आप ये जो आपने कितने, इसमें आपकी बात में दर्द है कि हम अगर अपना प्रोडक्शन करेंगे, खाली एक तो रोजगार है, दूसरा हम जो उसके एवज में इम्पोर्ट कर रहे हैं, आज वो कपड़ा नहीं बना रहे तो हम बाहर से कपड़ा मंगा रहे हैं, तो वो भी हम बंद कर पाएंगे। यहाँ जो कपड़ा बनेगा वो हमारी जरूरत का बनेगा, किसको कैसे प्रिंट होंगे, किसके क्या रंग होंगे, जो भी होंगे वहाँ से जो कपड़े आ रहे हैं वो उनकी संस्कृति के हिसाब से कपड़े आ रहे हैं, तो हम उस संस्कृति को थोप रहे हमारे बच्चों पर, तो कई नुकसान है। मेरे उस दिन उन्होंने तो कहा साहब अब आप मान लें मेरे जितने जिंदगी के दिन बचे हैं आपकी इस मुद्दे को लेके मैं कूद पड़ा, अब मैं वापस नहीं लड़ूंगा, सब लोगों से बात करूंगा,
हमें शुरू, हमारा खुद की तो सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक मैं तैयार नहीं हूँ। मेरी तकलीफ ये है, कोई भी तैयार हो जाएगा ना, मदद तो हो सकती है, तैयार तो नहीं, ये खुद इंडस्ट्री वाले तैयार नहीं हो पा रहे कि मुझे करना है शुरू वापस। इतने परिवर्तन पिछले 40-50 सालों में हो गए, तकनीक साइड से देखें हर इंडस्ट्री में इतने बदलाव आ गए, जिसने बदल लिया वो आगे बढ़ गया और जो खड़े हैं वो खड़े। इसका कारण यही है, जो बदलने को तैयार ही नहीं, उनको पता है कि कुछ बिना कुछ के ही मिल रहा है हमको तकलीफ है कारण। इसको थोड़ा इस पर हम लेकिन हम लग रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम इस पर काम नहीं कर रहे, हम तो वहीं से शुरू हो गए। और चतुर्वेदी जी कहा हमको हर 15 दिन में आप हमको फ़ोन करके बताओ कहाँ दिखता, हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप उन मिल मालिकों को तो तैयार करो कि मुझे चालू करनी है। अपन उसके मैंने कहा था कर लगाएंगे, देखते ईश्वर कुछ मदद करेगा, मैं जागो। जय श्री महाकाल। मैं गुलाब कटोरी जी को नमन करती हूँ और मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी आज आपके बीच में उपस्थित हूँ और जितने भी मान्यवर यहाँ हमारे भाई बंधु हैं, बहने हैं, सबको मेरा कोटि कोटि नमन और अब आप सभी के शुभ कामना करती हूँ आप सभी के लिए कि ये बहुत अच्छा लगता है कि आप एक साथ होकर के आज यहाँ बैठ के हर चीज का निर्णय लेते हैं कि हमारे देश का भविष्य कैसे सुधरेगा। और राजस्थान पत्रिका ये एक न्यूज़पेपर जो भी है, एक आम आदमी की छोटी सी आवाज को दुनिया में हर कानों में इस खबर को पहुंचाती है कि जो अपनी बातों को कहीं कह नहीं सकता है वो इस पेपर के पत्रिका के द्वारा पहुंचती है। तो मैं आपके राजस्थान पत्रिका को नमन करती हूं कि ऐसे ही आप हर खबर को, हर इंसान के दुख, छोटी छोटी चीजों को जो इंसान नहीं कह पाता है वो आप पहुंचाते हैं। और आज आपके बीच में बैठ के हमें बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि आज पहली बार कि किन्नर समाज भी आपके साथ में बैठा है, जो कभी ऐसा भविष्य में नहीं हुआ है, क्योंकि दर्जा हमेशा मेल फीमेल दो ही लोग को दिया गया है, ट्रांसजेंडर तो कभी बीच में थे ही नहीं। क्योंकि आज हर घर में ट्रांसजेंडर होता है तो उस बच्चे को इस तरीके से गायब कर दिया जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है। जी थोड़ा सा संक्षेप में, शॉर्ट में। तो आज हम यही कहना चाहती हूँ कि देखिए आज भी हम भी एक समाज का एक अंग हैं, आप लोग हमारा इज्जत करते हैं और हमें भी आगे, हम आपके साथ जुड़ के हर कार्य को आगे करना चाहते हैं। जय श्री मां। मैं सुशील खरबंदा अध्यक्ष हूँ सिविल लाइन्स व्यापार मंडल का और अध्यक्ष हूँ इलाहाबाद ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का। जी बोले। मैं श्री गुलाब कोठारी जी राजस्थान पत्रिका के जो प्रधान हैं संपादक, उनका इस आयोजन के लिए उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ और उनकी पूरी टीम सुशील जी, सुमित यादव जी एवं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी प्रबुद्धजनों का मैं अभिवादन करता हूँ। आज आपने जो हम लोगों के दर्द जानने के लिए और हम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं या जो हम लोगों को आशाएं हैं या जो होना चाहिए हम लोगों के मन के दर्द हैं उसको जानने के लिए आपने ये आयोजन किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। सर हम लोग व्यापार समाज से संबंध रखते हैं और व्यापारी भी सेतु का काम करता है। जैसे आपने कहा कि आपका सरकार और जनता के बीच में सेतु काम करता है आपका समाज, वैसे ही व्यापारी भी समाज में सेतु का कार्य करता है। लेकिन व्यापारी को भारत में बड़े दुख की बात है कि वो सम्मान और सुरक्षा ही प्रदान की जाती है जो उसको प्रदान होनी चाहिए।
रिकॉर्ड हो रहा है, अदरवाइज आप चिंता नहीं करें। तो सर मेरा ये निवेदन है कि प्रयाग का वैसे भी बहुत महत्व है, तीर्थराज माना जाता है प्रयाग, लेकिन धीरे धीरे प्रयाग से जो भी ऑफिसर वगैरह हैं, सरकारी ऑफिसर वगैरह, वो यहाँ से स्थानांतरित किए जा रहे हैं, जिनसे हो ये रहा है कि किसी भी एक सरकारी ऑफिस से कई लोगों को उससे व्यवसाय मिलता था, उसकी वजह से व्यापार मिलता था, तो जो स्थानांतरित होते जा रहे हैं उसकी वजह बहुत से ऑफिसर यहाँ से स्थानांतरित हो गए हैं। और पुलिस हेडक्वार्टर वगैरह इसकी वो है जी जी, कई महत्वपूर्ण ऑफिसर जो इलाहाबाद में थे वो यहाँ से स्थानांतरित किए जा रहे हैं, जिससे ये हो रहा है कि इलाहाबाद का व्यापार उससे कम होता जा रहा है, और व्यापारी जो है वो अब उपेक्षा का, तो पहले भी हो रहा है, हमेशा उपेक्षा हुई व्यापारी की, व्यापारी का सम्मान नहीं, अब ये व्यापारी का व्यापार भी कम होता जा रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है कि जो इलाहाबाद के पहले गौरव था और जो ऑफिसर यहाँ पर थे, उनको पुनः यहाँ पर लाने का प्रयास किया जाए, जिससे लोगों को व्यवसाय मिलता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त में कहें, क्योंकि कहने वाले आप काफी लोग हो और समय हमारे पास बहुत कम है। जो मुद्दे उठ चुके हैं आप लोग उन मुद्दों पर बात ना करके नए मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है आप सारे लोगों के सवाल ढूंढ ले पाएंगे और उन सभी का भी उठ पाएगा। तो आप सबसे एक बार फिर पुनः निवेदन है कि अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त में कहें, ताकि सारे लोगों को मौका मिल सके, हम किसी को नाराज करके यहाँ से नहीं जाने देना चाहेंगे। थैंक यू। जी, मैं लालमण तिवारी, प्रांत मंत्री विश्वेंदु प्रसाद गौर अच्छा, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में मैं महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत हूँ, और वहाँ का भी जो उत्तर प्रदेश राज्य अधिकारी कार्यालय अधिकारी कर्मचारी संघ है उसका भी मैं महामंत्री। मैं सर्वप्रथम राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक माननीय गुलाब कोठारी जी, माननीय भुवनेश जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पत्रकारिता जगत से ऊपर उठकर समाज की पीड़ा को लेकर के विभिन्न प्रांतों और विभिन्न जनपदों में जाकर के ऐसा आयोजन कर रहे हैं। अभी आपने एक विषय रखा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी समाज को अपने मकर जाल में जकड़ रही है, इस पीड़ा से संपूर्ण समाज त्रस्त है, उसके बावजूद जो दो देशी गौवंशज हमारे दरवाजे पर रहा करते थे, जिनके दूध में स्वर्ण भस पाया जाता था, आज वो देसी गोवंश हमारे दर दर की भूखे खा रहे हैं, दूध के लालच में उतना रूपी जर्सी गाय को तो अपने दरवाजे पर लालच में बांध रखे हैं, लेकिन देसी गोवंश को हमने अपने दरवाजे से हटा, थोड़ा बैकग्राउंड से, कैसे देसी गोवंश किसानों के खूंटे पर बंधे, वो सही है, जैविक कृषि के माध्यम से कैसे हम खेती करना प्रारंभ करें जिससे उर्वरक और ये कीटनाशक का प्रयोग समाप्त हो धीरे धीरे, इस पे हम कैसे किसानों को जागरूक कर सकते हैं, इस संबंध में आप सुझाव देंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें किसानों की गलती कम है, हमारी सरकारी योजना और सरकारी अधिकारियों का जो दबाव है वो ज्यादा बड़ा है, और निचुरे जब उधर से दबाव आता है किसान भी सोचता है कि अगर मुझे दो पैसे ज्यादा इधर मिलेंगे तो उधर ही जाऊंगा, दूसरी तकलीफ हो गई, हमारे जैसे इंसान का स्वभाव है कि आपके पास कार है मेरे पास नहीं है, तो मेरा बेटा कहेगा पापा ये जमीन तो हमारे को भी चाहिए, तो वो एक अलग तरह की स्पर्धा है घरों में, वो भी हमको तकलीफ में डाल रही है, हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रही है और हम लौट नहीं जा रहे, तो ये समस्या एक तरफा नहीं रही, इसमें कई तरह की भूमिकाएँ हैं, उनको समझना पड़ेगा, मुझे लगता खाली एक शब्द से भी काम नहीं, हम नारे लगा के काम नहीं कर सकते, ये सही है, जब हम डेयरी के दूध में 80% आदमी अगर डेयरी का दूध पी रहा है वो तैयार है बीमारी को झेलने के लिए,
20% आदमी क्यों आप ढूंढाई की बात करेंगे, तो 80 तक तो नहीं, उनको आगे कुछ कह ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। आज बाकी 80% को आप तैयार कर लो कि मैं पैकेट दूध पीऊँगा, वो कहाँ गाय बांध होंगे, वो दूध लाएगा, वो ले जाएगा, उस व्यवस्था खत्म कर दी। आज शहर के अंदर आप गौशाला नहीं बना सकते, डेयरी बन नहीं सकती, पशुओं को आप बांध नहीं सकते, समझिए। उस आज बीमारों के लिए अगर ताज़ा दूध चाहिए तो हो सकता है 30 किलोमीटर बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा। हमें उन परिस्थितियों को समझना, इतनी दूर चले गए हम वापस आने के लिए, बहुत बहुत वो है सफाई कि हमको तपना पड़ेगा। अगर हम सब मिलकर तैयार रहेंगे तभी बदनाम आएगी। कोई लगता कि बस का काम नहीं है, ठीक है जो भी काम कर रहे हैं अपना अपना सही जगह, लेकिन सच्चाई दूसरी है, उसे अभी हमें मानना ना पड़ेगा। भाई साहब कोठारी जी को मेरा प्रणाम, यहाँ सभी व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। मैं आशुतोष जी, मैं श्री वेणी माधव मंदिर का सेवक, और जिन मुद्दों पे पत्रिका चर्चा कर रही है वो मन और विवेक से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा करूँगा यहाँ इलाहाबाद की। इलाहाबाद की छवि हमेशा से एक धार्मिक छवि रही है, और इस छवि को बनाए रखने में अगर हम बात करें तो जितने FIR दर्ज होते हैं थानों में, और निर्देश ऐसा दिया जाता है कि उतने FIR दर्ज ना हो ताकि हमारा क्राइम रेट उतना बढ़ के ना आए, तो मैं इस पत्रिका को से निवेदन करूंगा कि इस दिशा में अपनी रोशनी डालें और सरकार के बीच जो सेतु का काम कर रही है उसको आगे बढ़ चढ़ के करें। और ये जो धार्मिक छवि है ये किसी तरह कम ना पड़ जाए, इसलिए जो FIR दर्ज नहीं होते उस दिशा में आप एक बार काम करें। धन्यवाद। ज्योतिषाचार्य पंडित विद्याकांत पांडे, पारासर ज्योतिष संस्थान, आपका अभिनंदन और जितने भी आगंतुक लोग हैं सबका अभिनंदन। मेरी मूल बात यह है कि मैं जिस समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, और प्रयाग का नाम प्रयाग, प्रथम यज्ञ जहाँ पर हुआ उसी को प्रयाग कहते हैं, तो सबसे बड़ी जो कमी है वो याग करने वालों की कमी हो रही है। यज्ञात भोज पर्जन्य, अर्थात यज्ञ होंगे तो वर्षा होगी और वर्षा होगी तो अन्न होगा, और अन्न के बिना कोई जीवन नहीं होगा कितना भी आप आगे बढ़ जाइए। तो सबसे पहले यह है कि जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं उसमें अध्यापकों की कमी हो गई है, वहां पर जो निर्धन गरीब ब्राह्मण संस्कृत पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है, उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। मेरा अनुभव तो अब ये है कि संस्कृत पढ़ने वालों को भी आप देखिए कि वो समाज में उनकी स्थिति कहाँ है, नहीं है व्यवस्थाएं, नहीं व्यक्ति खुद बदल गया है, व्यक्ति के सपने बदल गए हैं, नहीं जो बच्चे आ तो आप मेरे समझे संस्कृत भाषा नहीं है, आप जिस संस्कृत की बात कर रहे हो वो तो भाषा है ना, उसमें जो ज्ञान है उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, संस्कृत विश्वविद्यालय भी नहीं कर रहा, वैदिक विश्वविद्यालय भी नहीं कर रहा, आप सब जगह अनुवाद पढ़ा रहे हैं, सारे वास्ते लिए सारे का अनुवाद पढ़ा दिए चारों बेटों का, मेरे किस नई पीढ़ी उसको नहीं पढ़ेगी और उसके काम भी नहीं आएगा, क्यों उसका मतलब समझता ही नहीं, हो उस पर काम नहीं हो रहा। हमारी तकलीफ ये है, आपको अगर सचमुच रुचि है तो इस लाइन पर चिंतन करें कि हम उस भाषा का डिकोडिंग कैसे करें, उसमें से वैज्ञानिक भाव कैसे निकाल के फिर देखें नई पीढ़ी के कितने बच्चे आपको आगे खड़े हो जाएंगे। कर्मकांड के अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको हमको यूँ देखना पड़ेगा, या फिर आप पढ़ाई कर लो, कॉलेज में पढ़ा लो, बस हम समाज के बीच में आपको संस्कृत पढ़ा हुआ आदमी कहीं काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, दो ही तो काम रहेगा, या तो पढ़ा दो शिक्षक बन जाएगा या कर्मकांड कर लेगा, उसे काम नहीं चल सकता, तो उसे समाज का सपोर्ट वापस नहीं मिलेगा। हमको ये समझना है जिस भी प्रोफेशन को व्यवसाय को समाज का सपोर्ट मिलता है,
समाज जिसको संरक्षित कर लेगा ना वो पनप जाएगा। इसको मूल बात यहाँ है तो हम अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं समाज के बीच में तो रास्ता खुलेगा। सरकार क्या, सरकार भी तो दे रही है नौकरी दे रही है तो फिर आगे नौकरी कर लो सरकार के साथ, पर जनता के साथ नहीं जुड़ रहे हूँ ठीक है आगे चले। राजस्थान पत्रिका के चेयरपर्सन जी उससे संबंधित सभी साथी वहाँ उपस्थित विशिष्ट क्षेत्र से आए हुए वरिष्ठ अपने अपने क्षेत्र के वरिष्ठ लोग आप सबका मैं आपसे यादव रेलवे की तरफ से सबका अभिनंदन और सम्मान देता हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज की शिक्षा जो नैतिक शिक्षा की आपने बात की है वो हम अगली पीढ़ी को डिलीवर कैसे करें जबकि इस कंपटीशन युग में जो ग्लोबलाइजेशन का युग है उसमें कैसे एडजस्टमेंट पाएगा। आज की शिक्षा जो हमने शिक्षा ग्रहण की या जो हमारे ग्रैंडफादर फादर ने किया जो आने वाली पीढ़ी करने वाली है उसका ग्लोबलाइजेशन में किस तरह से एडजस्टमेंट हो पाएगा ताकि हम अपने नैतिक मूल्यों को भी बनाए रखें और इस जो हमारे देश का मूल नैतिक परंपरा और नैतिक उन्नयन की एक पराकाष्ठा रही है कैसे उसको उस स्थान तक ले जाएं ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो इसके लिए सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा और सबको सोचना पड़ेगा अपने अपने उसको संभालने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। धन्यवाद। सर मैं दिनेश सिंह ज्वेलर्स प्रेसिडेंट। सर मेरी एक आपसे निवेदन ये थी कि शिक्षा पर हमारी सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इधर दो साल ढाई साल के कोरोना पीरियड में जो छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उससे आप पर बहुत असर पड़ रहा है, उससे उनकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो रही है और सब कॉलेज में फीस पूरी लेते हैं और फीस के नाम पर अगर फीस नहीं आप दे रहे हैं तो बच्चों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। तो मेरा सर आपसे निवेदन है कि मेरी बात सरकार तक पहुँचाएं। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं महमूद अहमद खान, मंत्री पर्यावरण प्रबंधन। सर आप इलाहाबाद में आके मुहिम उठाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर मैं लालू मित्तल, मैं बेसिकली तो व्यापार मंडल से संबंधित हूँ और अनेक संस्थाओं का संगठनों का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, अभी आप उनसे लखनऊ में भी थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप बंसल जी से आपकी वार्ता हो रही थी, वो हम लोगों ने सुना और जिस उद्देश्य के साथ आपकी पत्रिका आज उत्तर प्रदेश में या हम लोगों के बीच में आ रही उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अग्रवाल समाज से भी मैं संबंधित हूँ। अपनी बात को मैं व्यापारी होने के कारण सबसे बड़ी पीड़ा जो हमारी है, जो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हम लोग उचित स्थान तक पहुंचा पाएंगे, वो ये है कि आज भी व्यापारी जो कि इस देश की इकोनॉमी को चलाता है, सारी चीजें वो देखता है लेकिन व्यापारी को आज भी चोर और संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। और ऐसा क्यों होता है ये मेरी आज तक नहीं समझ में आया कि वो व्यापारी जो पूरे समाज का संचालन कर रहा है, जिस देश की इकोनॉमी को संभाल रहा है, उसका कोई भी सम्मान नहीं है। अगर आप देखा जाए सर तो स्नातक में हर फील्ड में आपने कला में लोगों को जो है उच्च स्थान पर उस सदनों में पहुंचाया, चाहे अध्यापक हो तो स्नातक विधायक बनते हैं और उनके द्वारा अध्यापकों के द्वारा उनको चुन के भेजा जाता है। सिनेमा जगत से लोग हैं तो क्या हम व्यापारी योग्य नहीं है कि हम लोगों को भी उच्च सदन में भेजा जाए, एक सम्मान हमें दिया जाए। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पूछे तो उसमें वैष्णवी की हम नहीं भूल पाएंगे, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, व्यापारी को संदेह की ग्रंथि आम आदमी नहीं देखता, ये आप निश्चित मान रहे ना, आम आदमी तो नहीं देखता, देख रहे हैं उनकी बात छोड़, वो एक श्रेणी के लोग हैं। अब जितने बैठे इनमें से कोई ये कह दे कि वो व्यापारी को संदेह की ग्रंथि देखता है, इतनी बात।
ईमानदारी से, और कोरोना ने साबित किया कि व्यापारी जो स्थानीय व्यापारी ने ही सबसे ज्यादा मदद की, या कोई नहीं पहुंच सकता था, हमारा व्यापारी पहुंचा। ईमानदारी से कहना चाहता हूं मैं, हमने खूब छापा उन व्यापारियों के सम्मान में। बिल्कुल बिल्कुल, इसको समझ, इसलिए हम अपने मन में ये पूरा करने क्यों बना के बैठ गए। प्रशासन है वो, प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि अब आप उस अपने पाले को छोड़ के दूसरे के पाले में जाने का एक प्रयास करने की बात कर रहे हैं, तो उस पाले के नियमों को आपको समझना पड़ेगा। वो आपके नियम नहीं है जिससे आप काम कर रहे हो, उनकी खेल के नियम तुम्हारे हैं। अगर आप उन नियमों को सीख के तो आप चले जाओगे। यहाँ बैठ के मैं उन नियमों की बात नहीं कर पाऊंगा। स्नातक क्षेत्र में विधायक बनाए जाते हैं, नहीं वो समझ रहा हूं। तो व्यापारी क्या इस योग्य नहीं है? क्या व्यापारी का, व्यापारी का कोई योगदान नहीं है इस देश की? भी है, देश भर में व्यापारी भी है, विधानसभा में है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या आप उन नियमों को अपनाने को तैयार है? तो पूछ पड़िए, आपको कोई ये नहीं कहेगा वापस जाओ। सर हम प्रश्न ये कि हमारी तैयारी नहीं है कि हम पे कोई उंगली उठाए और हम हंसते हुए खाना खा लें। बहुत बड़ी मुश्किल है, आप इस बात को समझ लेना। जी इधर चले आप आगे। जी मैं धनंजय चोपड़ा हूँ भाई, माफी करना मैं थोड़ा सा मुझे सीधी बात करना चाह रहा हूँ। सीधी नहीं, मैं वो प्यारा, मैं भी व्यापारी हूँ, ध्यान रखना। और मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे ऊपर इन, ये नहीं है, ये मत करना। बस यही मैं वही रोक रहा था, आप सबसे ज्यादा आज भी समाज में सम्मानित है, आप पीछे सम्मान पाना चाहते हैं जिनका खुद का सम्मान नहीं होता। गजब कर दिया यार आपने, ये तो मेरी समझ में नहीं आई आपको। नहीं नहीं, एक जमाना था, माफ करना, जब बाजार में से कोई अगर विधायक गुजरता था पूरा बाजार उनको अकेले उठा दिया, हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, इतना सम्मान था। और आज मंत्री निकल जाए तो कोई पूछता नहीं है। मैं ईश्वर से कहता हूँ मुझे कभी उस श्रेणी में मत भेज देना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आज जो हमारे पास ये सम्मान है, आज यहाँ बैठे किस लिए हैं? उसी सम्मान की खातिर बैठे हैं। आप मुझे बताओ, वो जिनको आप कह रहे हो ना, उनमें से कोई आदमी दिख रहा है उसको? मैं ये इसका उत्तर में ये दे देता हूँ आपको, इसको समझे, हम सम्मानित हैं। और अपने बच्चों को कहीं कह मत देना कि हमारा सम्मान नहीं होता, बहुत सम्मानित है, माफ करना। हमें उस सम्मान की परिभाषा को समझाना पड़ेगा और बच्चों को भी मान समझाइए। चलिए लंबा है। मैं धनंजय चोपड़ा। हाँ हाँ धनंजय, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज है, वहाँ का कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ। और 22 साल पत्रकारिता करने के बाद फिर पढ़ाने के क्षेत्र में आया हूँ। और इत्तेफाक से मैं आपको ये भी बता दूँ कि 2013 में मैंने न्यूज टूडे जो इंदौर में आपका अखबार है उसके लिए लिखा और कुंभ की कमेंट्री किया उसमें। ये शहर जो है वो साहित्य संस्कृति संस्कार सरोकार सद्भाव सौहार्द का है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य का कुछ भी नहीं। ये पिछले कोरोना काल में ये साफ हुआ कि ये शहर स्वास्थ्य के नाम पर जितना कमजोर है उतना शायद कोई और स्वास्थ्य। ये यहाँ की, यहाँ जब कोरोना था मैं भी कोरोना से पीड़ित हुआ और मैं जिसको सुनता था वो यहाँ से भागने की फिराक में रहता था कि मैं लखनऊ भाग जाऊं, मैं दिल्ली भाग जाऊं, मैं बनारस भाग जाऊं। इवन बनारस जाने के लिए तैयार था लेकिन इलाहाबाद पर भरोसा क्यों नहीं था, ये सवाल है। और इस शहर में अब जो सबसे बड़ी जरूरत है वो स्वास्थ्य पर ध्यान देने की है। इससे बड़ा कोई मुद्दा शायद ही कोई हो, लेकिन दुर्भाग्य कि चुनाव में ये कभी मुद्दा नहीं बनता। धन्यवाद सर। एक हमारे सामने एक बड़ी दिक्कत दूसरी है, माफ करना एक लाइन बता रहा हूँ, कि हमने हमारे ज्ञान पर भरोसा करना छोड़ दिया। इस कोरोना के इलाज में इन जितने स्टेरॉइड्स लोगों ने खाए हैं और उनके आफ्टर इफेक्ट 6-6 महीने 8 साल भर तक लोगों ने भोगे हैं। सर हमको स्टेरॉइड का ही असर। मैं माफ करना, मैं एक वही बात कहना चाह रहा हूँ, ये हमारी पराधीनता हो गई है क्योंकि हमने अपने ज्ञान को विस्मृत करके दूसरे के ज्ञान पर आश्रित हो रहे हैं। और जिन्होंने भी ये काढ़े या जो भी इनको हम
डकियानु जी कहते होंगे, ऑर्थोडॉक्स कह रहे होंगे, पर जिन्होंने अपनाया उनको कष्ट नहीं हुए, या जो समझे नाम मात्र के हुए वहाँ आफ्टर इफेक्ट नहीं हुए, और न उनको इतनी कीमत चुकानी पड़ी। ये दूसरी साइड डाला जो इंजेक्शन तो दो दो ढाई ढाई लाख में ब्लैक में बिक रहे थे, बच गए हम। मैं तो यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें अपनी आस्था को टटोल लेंगे तो हमको ईश्वर कहीं से शक्ति देगा, इनमें कुछ है। मैडम नमस्कार, मैं मधु शुक्ला प्रयाग संघीय समिति में हूँ और स्पेक्ट्रम के यूपी की कोऑर्डिनेटर हूँ और अनहद लोक नाम के रिसर्च जर्नल की संपादक हूँ। जहाँ तक बहुत सारी बातें अभी हमने सुनी और बहुत सारे विचार आ रहे थे कि इस विषय को उठाना चाहिए, मगर समय उतना नहीं है। सही है। तो जो कला और संस्कृति और मीडिया का जो संबंध है उस विषय में जरूर अन्य विषय आ जाएंगे और लोगों के पास से। मैं कहना चाहूंगी कि कला और संस्कृति को मीडिया में वो सम्मान नहीं मिलता जो अलग अलग पेज, जैसे हम शास्त्रीय जो कलाएं हैं हमारी, जो लोक कलाएं, जो हमारी धरोहर है, जो कि आप टेक्निकली अभी आप बच्चों की बात कर रहे थे कि बच्चों को हमें, जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके साथ हम बैठे उसे समय दें, उसे एक संवेदनशील इंसान बनाएं। जहाँ तक संवेदनशीलता आती है वो कला और संस्कृति से जुड़ने के बाद ही आती है, और उस संस्कृति को हम पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो में, या दूरदर्शन में, या जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे चैनल्स हैं उसमें वो सम्मान नहीं मिल रहा है। और मैं जरूर चाहूंगी कि आपके माध्यम से ये बात सामने आए और इस पर आप सबका ध्यान आकर्षित करें। थैंक यू। पर मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ नियमित इनकी समीक्षाएं आती है, कार्यक्रमों के कवरेज हो रहे हैं, बल्कि कलाकारों के साक्षात्कार आते हैं। कल भी मुझे वहाँ मिले थे कोई महिला तो संगीत वाली प्रतापगढ़ में, उनका मेरे दो तीन चार इंटरव्यू और समाचार पत्रिका में छपे थे। तो मैं निश्चित भरोसे के साथ आपको कह सकता हूँ इन चीज़ों में हम कहीं पीछे नहीं हैं। शायद मैंने आपको हम नहीं, संस्कृति की कोई भी विधा हमारे एक दो नहीं हो सकती। हमारे में आप मानेंगे नहीं, जो श्रेष्ठ कहानी और श्रेष्ठ कविता पत्रिका में छपती है साल में, उनको हम इक्कीस इक्कीस हजार रुपये का पुरस्कार देते हैं ताकि मेरे पाठक के हाथ में कोई चीज़ हल्की चली नहीं जाए। ये खाली निवेदन करना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारिता का पुरस्कार अब पुलिटिकल नहीं है, राजस्थान पत्रिका का किसी के पुरस्कार है जो $11,000 का है। हम तो उनके लिए संघर्ष करते हैं जीवन में कि कुछ नई तरह की ऊंचाइयां ये देश के लोग छू सके। मैडम नमस्कार सर जी, मैं सुषमा शर्मा, मैं पिछले 3 दशकों से रंगमंच से जुड़ी हूँ। वाह। और कलाकार और कला की दुनिया में बहुत सारी समस्याएं, मैं उस पर बात नहीं करूंगी क्योंकि ये क्षेत्र मैंने अपनी मर्जी से चुना है, इसलिए इसकी समस्याओं से भी मैं अंतिम दम तक खुद ही मुकाबला करना चाहती हूँ। बस लेकिन मैं एक चीज चाहती हूँ कि जैसे हमारे इलाहाबाद में जो बहुत सारे पेपर्स निकलते हैं तो उसमें से स्थानीयता गायब हो रही है, स्थानीय कलाकारों को महत्व नहीं दिया जा रहा, स्थानीय कला लिखने वालों को, लेखकों को नहीं स्थान दिया जा रहा है। सारे पेपर जो है ग्लोबल उसमें आ गए हैं और स्थानीय जो न्यूज है जो भी है कला और संस्कृति से जुड़ी हुई वो सब एक समट के कोने में आ गई है, और कभी कभी वो कोना भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो इस पर नहीं, पर उसमें हम कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। मैं तो अपनी ही बात कह सकता हूँ और अपनी भागीदारी या भूमिका की बात कह सकता हूँ, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में मेरा कोई नियंत्रण नहीं होगा। इधर कुछ बोले बैठ, खड़े होने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ, नहीं प्लीज बैठ के बात करें। धन्यवाद सर, लेकिन इतने विद्वान साथियों के सामने बैठकर बोलना थोड़ा मुझे मेरी आदत नहीं है, और मैं बहुत, चूंकि मैं 77 से इस शहर को देख रहा हूँ और ये शहर हम सबका ख्याल रखता है, हम ही लोग इसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं अभी आप लोगों के लिए केवल दो लाइन मैंने लिखा
कि मंच सजा है विद्वानों से सबको मेरा प्रणाम, नामी और गिरामी बैठे बड़ा सभी का नाम। इसलिए कोई ये ना समझे कि हमारी बात कोई नहीं सुनता, यहाँ के लोगों की अगर कोई बात नहीं सुनेगा तो फिर कोई बात नहीं सुने। ये हमारा शहर है, यहाँ धर्म भी है और धर्म के लोग भी हैं, यहाँ राजनीति भी है, यहाँ राजनीति से जुड़े लोग भी हैं, यहाँ साहित्य है, साहित्य से भी जुड़े लोग हैं, सभी क्षेत्र के विद्वान यहाँ पर हैं, कला के, साहित्य के, धर्म के, संस्कृत के, और इन सब के सामने ये सब, हाँ ये सब बोलना नहीं, मैं सर समस्याएं नहीं बताऊंगा, समस्याएं पूरा शहर जानता है, मैंने केवल बैठे हुए यहाँ चार लाइनें लिखी हैं आपके लिए, और वो मेरी इच्छा भी है, मेरी अभिलाषा भी है। राजनीति सब पर हावी है, धर्म कर्म सब फेल, योगी यति मास्टर डॉक्टर बात करें बेमेल, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो समाज का उद्धार, हर प्राणी प्राणी से मिलकर करें सभी से प्यार, विश्वामित्र संदीपनी बनकर रामकृष्ण तैयार करो, दुर्वासा द्रोणाचार्य बनकर बुराइयों पर मार करो, विष्णुगुप्त बनकर तुमको अब मूर्खों को विद्वान बनाना है, भारद्वाज मुनि बन रहना राम को राह दिखाना है, गंगा यमुना सरस्वती का शहर सभी की मुक्ति का द्वार बने, और न्याय की देवी साथ रहे हर प्राणी विद्वान बने, बस मेरी यही अभिलाषा है, कोई समस्या नहीं है, धन्यवाद। आगे स्वामी जी, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम स्नेही बंधु, आज का आज कोठारी जी के आगमन के अपार हर्ष का विषय है। प्रयागराज हमारे धर्म की राजधानी है, और इस तरह से कहा जाए तो संपूर्ण विश्व का एक मुख्य केंद्र है, क्योंकि अखिल विश्व ब्रह्मांड के आध्यात्मिक जगत गुरु भारत और की आत्मा तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ पर धर्म का एक बड़ा विशेष, ये जो हमारे यहाँ कम से कम 151 तीर्थ रहे होंगे, जो कि आज अनेकानेक तीर्थ लिप्त हो चुके हैं, और प्रयागराज की पंचकोसी भी लगभग बंद हो चुकी है। श्री हमारे एक मिनट में नजर लेके आप बोलते रहे, बेसुरी होगा। हमारे श्री हरिगिरि जी महाराज के अगुवाई में और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रयागराज की पंचकोसी प्रारंभ हुई, और मैं ऐसा कामना करूंगा कि तीर्थराज प्रयाग की पंचकोसी के जो भी जितने भी तीर्थ आते हैं उसको एक व्यवस्थित रूप दिया जाए, ताकि प्रयागराज की तीर्थों का जब आवागमन होने लग जाएगा, तीर्थों में जब लोग आने लग जाएंगे तो निश्चित ही प्रयागराज का व्यापार भी बढ़ेगा, और समस्त, क्योंकि श्रद्धालु अभी आता है, सुबह आता है, गंगा स्नान करता है, चला जाता है, जब वही स्नानार्थी 3 दिन रुकेगा, क्योंकि तीर्थों में 3 दिन रहने की व्यवस्था की गई है, 3 दिन रहने से ही तीर्थ पूर्ण होता है, और आज किसी भी क्षेत्र को कहने से, क्योंकि आजादी के बाद सभी ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, जिसका दुष्परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने है। इसलिए हम पंचकोसी यात्रा को प्रारंभ करवाएं और अच्छे से उसके मार्ग को व्यवस्थित किया जाए, जिससे कि प्रयागराज का व्यापार भी बढ़ेगा और राजस्व की प्राप्ति होगी, ऐसी मेरी मैं सोचता हूँ। और संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का स्थान प्रयागराज में उपेक्षित है, इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि ये विश्वनाथ श्री तक्षक तीर्थ का स्थान लोग जान सके और इसका लाभ ले सके। प्रयागराज की कोई भी पंचकोसी बिना तक्षक तीर्थ दर्शन के पूरी नहीं होती, ऐसी तीर्थों ने कहा गया। जिस पत्रिका के बारे में बात हो रही है, ज्ञान के बारे में बात हो रही है, इन सभी पत्रिका और ज्ञान के देवी माँ शारदा को प्रणाम, और यहाँ पर बैठे हुए सभी मूर्धन्य विद्वान वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्ति को भी नमन। और मैं ज़्यादा न बोलते हुए 2 लाइन में ही बात को ख़त्म करूँगा। मैं विप्लव कुमार, ज्योतिष काम है मेरा, और मैं जम्मू से हूँ, मैं आज ही यहाँ आया हूँ महाराज के, अभिनंदन महाराज के कहने पे इन्होंने ही बुलाया,
यहाँ 2-3 दिन का काम है कोई, तो मैं आज ही यहाँ आया था, तो आप आए तो आपके साथ में आ गया। अभी बड़ी सारी चर्चा हो रही थी कि ये नहीं होता वो नहीं होता, और उस सब का एक ही बात है कि हमारे में यूनिटी नहीं है, तो मैं यूनिटी कैसे हो उसमें सिर्फ 4 लाइन बोल के बंद कर दूंगा। तो देखिए वो 4 लाइन क्या कहेगा, और वो 4 लाइन अगर हमारे मन में आ जाता है तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पक्की बात है। सिर्फ 4 लाइन है, वो 4 लाइन आधा मिनट में खत्म हो जाएगी। इस 4 लाइन पे ज्यादा तवज्जो देंगे बड़ी आनंद आएगी। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है, तो एक शिकारी जाता है जंगल से, तो चिड़िया लोग बैठे होते हैं पेड़ पे, तो शिकारी कहता है कि आग लगी इस जंगल में जलने लगे पात, आग लगी इस जंगल में जलने लगे पात, ए चिड़िया तू उड़ क्यों नहीं जाता जब पंख तुम्हारे साथ। देखिए इसके अगली जो चिड़िया की जवाब है, वो जवाब हमारी सभी बातों को पूर्ति कर देगी। उन्होंने कहा कि आग लगे इस जंगल में जलने लगे पात, ए चिड़िया तू उड़ क्यों नहीं जाता जब पंख तुम्हारे साथ। तो चिड़िया क्या कहता है, चिड़िया कहता है कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे की निपात, फल खाए इस वृक्ष के गंदे की निपात, और आग लगी इस जंगल में तो जले मरेंगे साथ। अगर ये सबके मन में आज हो जाए तो इतने प्रश्न नहीं उठे। और मैं खुद जम्मू से हूं, तो अगर मैं सवाल करने लगूं तो हमारे सवाल सारे इतने सारे सवाल हो जाएंगे जो मैं ऐसी जगह से हूं। और जब हम सवाल करने लगेंगे तो मुझे एक दो बातें बड़ा खराब लगा है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कशन करूंगा कोठारी जी से। इसमें लगभग लगभग 5-6 आदमी 7-8 आदमी को इन्होंने ये कह चुके कि मैं आपका मदद नहीं कर सकूंगा, आपके मैटर पे चर्चा नहीं कर सकूंगा, इस पे मैं आपसे अनुमति लेकर के कभी घंटा 2 घंटा डिस्कस करूंगा तो आपसे बात करूंगा, अभी तो टाइम नहीं है। क्योंकि किसी को भी आपको ये अधिकार नहीं है ये कहने का, चूंकि आप एक पेपर का राइटर है, पेपर का लेखक है, एक पत्रिका निकालते हैं, एक संदेश लोगों तक भेजते हैं, एक संदेश से इंसान को जोड़ते हैं, एक आम समाज को सरकार से जोड़ते हैं, और सरकार के बात को इंसान से जोड़ते हैं। ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देता, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर किसी का बात आपको अच्छा नहीं लगता होगा तो आज आपकी बात भी हमें अच्छा नहीं लगा। हम जम्मू से आए हैं, कभी मौका मिलेगा तो आपसे हम बात 2 बात करेंगे। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। नमस्कार सभी को। मैं आपको ही संबोधित करूंगा, मुझे जो कहना है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से जुड़ा हूं। मेरा नाम एस के यादव है। 2 दशक तक मैंने पत्रकारिता की है इसी शहर में, और पिछले 2 दशक से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो काम कर रहा हूं जिससे आपके मीडिया इंडस्ट्री में ऐसे काबिल पत्रकार पहुँच सकें जिनकी आप काबिलियत की अपेक्षा करते हैं अपने इंडस्ट्री के लिए, हम उनको तैयार करके भेज रहे हैं। 2-3 बातें मैं मीडिया से ही संबंधित आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने बहुत अच्छी तरीके से अच्छी पत्रकारिता करने और नैतिक पत्रकारिता करने के लिए तैयार करके भेजते हैं, लेकिन वो सशंकित रहते हैं कि आप हमें जो विद्या दे करके भेज रहे हैं क्या मीडिया इंडस्ट्री में आज उसकी जरूरत है, क्या मीडिया इंडस्ट्री उन्हें वैल्यू करता है, ये आपसे सवाल है मेरा। उत्तर नहीं चाहता हूं, सवाल है। हम बहुत सारे मीडिया के आप अपनी 2 सेंटेंस में अपनी बात कहने, ये बैकग्राउंड में मुझे मालूम है बैकग्राउंड, इसलिए आप बैकग्राउंड मत बताएं। जो मुद्दे का इशू है ना, बस खाली उतना सा बोलते हैं। बहुत सारी बातें वो बहुत सारी यहाँ नहीं हो पाई, कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी बातें इससे पहले सुना है मैंने, इसमें मीडिया पर आपने मीडिया को आपने संबोधित किया है, उसी से संबंधित है। दूसरा, अभी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं मीडिया से जुड़े, संपादक और भी बहुत सारे लोग, और वो लोग ये परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि अब मीडिया एक प्रोडक्ट हो गया है। मैं राजस्थान पत्रिका को इससे अलग मानता हूँ। मुझे बहुत आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन इन जनरल पब्लिक ओपिनियन बनता है ये कि अब अखबार या मीडिया उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। पहले हम लोग सीखते थे, भाषा सीखते थे, संस्कार सीखते थे, नैतिकता सीखते थे अखबारों से,
लेकिन आज हम क्यों अपनी नई पीढ़ी को ऐसा पाते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो मीडिया हो जाए। बहुत सारे मीडिया संस्थान अभी भी पत्रकारिता को जीवित रखे हुए हैं, उसमें आपका भी संस्थान शामिल है। आपके संस्थान ने हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बहुत सारे काबिल लोगों को अपना एम्प्लॉयमेंट दिया है, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, आप उन्हें बहुत अच्छा अवसर भी प्रदान करते हैं। बस एक बात और कहना चाहूंगा, वही कहिए, आप क्यों इतनी बात को लंबा कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, बस एक बात, अंतिम बात, एक लाइन की बात बोले कृपया। हम क्या ऐसा कर सकते हैं अखबारों में कि जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं और जो अपराधी लोग हैं, क्या उनको मीडिया में कम स्पेस दे सकते हैं? थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? एक ही बात समझ लीजिए, जितने भी प्रोफेशन है धरती पे इस देश में, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सबकी अपनी अपनी संस्थाएं हैं, सबके अपने अपने नियम कायदे हैं, वही तय करेंगी कि उनकी उनका प्रोफेशन कैसे चले। आप दूसरे के प्रोफेशनों में, आप उस जो भी चेंज आप करना चाहते हैं, आप उस उनकी संस्था के सामने रख दीजिए, वो तय करेंगे कौन सा संस्थान उनको स्वीकार करेगा नहीं करेगा, ये आप हम तय नहीं कर सकते। आप अपने बारे में तय कर सकते हैं, पड़ोसी के बारे में कैसे तय कर सकेंगे? संभव नहीं है, और किसी भी प्रोफेशन में संभव नहीं है। खाली मीडिया की बात नहीं है, हम सब एक ही धरती से निकले हैं, वही सब वही लोग हैं जो सब जगह काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मीडिया के लोग कहीं अलग है और व्यापारी को अलग है, नहीं है, सब एक है। प्रश्न ये कि जो धारा जो परिवर्तन है समय का, उसमें परिवर्तन रहेगा, पर उसमें कुछ लोग हैं जो प्रवाह में चले जाते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रवाह के सामने डटे रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो धारा के खिलाफ में तैरना चाहते हैं, वही तय करेंगे क्या होगा। आप चले कृपा करके आगे एक बार लाइन खत्म। हाँ बोलिए प्लीज। प्रदूषण इलाहाबाद की समस्या है, प्रदेश की समस्या है, देश की समस्या है। हम एक जीवित पर्यावरण है, जल वायु जमीन से बने हुए हैं, हमको जल वायु जमीन तीनों को स्वच्छ रखना है, तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। समस्या आज लोग सभी समझाते हैं क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं। प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। मैं साइकिल से चलता हूँ बेकार, और मैं बोतल लेके चलता हूँ मेटेलिक बोतल। अगर कार वाले एक कंटेनर रखें जिसमें पानी अपना रखें, पानी परमानेंट, क्योंकि बार बार ना फेंकें, क्योंकि इस प्लास्टिक की लाइफ बोतल की 400 साल है, चार पीढ़ियां हमारी देखेंगी। लोग कारों से चलते हैं, शायद कपड़ों के थैले नहीं होंगे, प्लास्टिक 10-20 घर में लेके आते हैं, वो वेस्टेज है। इससे जलवायु जमीन तीनों शुद्ध नहीं हो पाएगा। वृक्ष जलवायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। हम देश को शहर को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं। सड़क पक्की है, छत पक्की है, सड़क और छत के बीच में पूरी इलाहाबाद में जितनी सड़क है पूरी कंक्रीट हो गई, वाटर परकोलेशन नहीं हो पाता है, इससे जमीन टेम्परेचर कम नहीं होगा, पौधे सूखेंगे। जगह वकील साहब हैं, आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, पूरे शहर में आप घूम कर देखिए, जितने पेड़ हैं पूरा कंक्रीट से घिरे हुए हैं, पानी नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि जितना ऊपर वृक्ष है जड़ उतनी है, जड़ों से वर्षा होती है, जड़ों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। हमारा स्लोगन है, ट्रीज आर सिग्नेचर्स, पुट सिग्नेचर्स ऑन द अर्थ। आप प्रसन्न रहिए और प्रदूषण मुक्त समान करके बी ग्रीन एंड बाय ग्रीन। थैंक यू। इधर आप नमस्कार, मैं पल्लवी चंदे, इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की सचिव हूँ, और मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि आज मुझे इस चर्चा में शामिल किया गया है। मैं सिर्फ सर मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही हमारी प्रयाग इलाहाबाद के लिए कि ये संस्कृति साहित्य सौहार्द और सद्भाव का शहर है। मैं उसमें एक और सर जोड़ना चाहती हूँ, संरक्षण। मैं विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करती हूँ। अभी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लिए हैं। भारतीय भवन पुस्तकालय, जो पंडित मदन मोहन मालवीय का स्वप्न था, वो पुस्तकालय का जीर्णोद्धार करना है। 13 पांडुलिपियों का संरक्षित हम लोगों ने किया।
हमने पब्लिक को अवेयर किया, सिर्फ जागरूक करना चाहती हूँ इस समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा आप उठाएं। सर विरासत संरक्षण, हाँ वो बोले उसमें हमें, हम आपके साथ क्या मदद कर सकते हैं वो बताओ, हम तैयार हैं। सर जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना कि हमें अपनी विरासत को भी सजोना है आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप कदम सही है सर, स्मार्ट सिटी। हमारी दिक्कत ये है कि आज का ग्रेजुएट हिंदी भी नहीं पढ़ना लिखना जानता, एक एक निबंध लिखो 50 गलतियां छूट रही। उस सन आप जिस पुरातन या पुरातन ग्रंथों की साहित्य की बात कर रही हैं पढ़ने वाले, ये संस्कृत के विद्वान नहीं उनका उनका क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं, उसके लिए तो एक अभियान अलग तरह के चलाने पड़ेंगे और वो आपको विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर चलाने पड़ेंगे। आम आदमी उसमें सियासी की कोई मदद नहीं कर पाएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। नहीं सर, सिर्फ मैं जागरूक करना चाहती हूँ। मैं समझ रहा हूँ, पर वो रास्ता विश्वविद्यालयों की शिक्षा से ही होगी, वही मतलब नहीं, जो कुछ ऑलरेडी सीख चुके हैं ना वो आपकी बात को समझ भी पाएंगे, मदद भी कर जाएंगे। माननीय कोठारी जी, स्वागत है, अभिनंदन है आपका और हमारे प्रयागराज परिवार के प्रबुद्ध जन साध्वी और साधुगण भी यहाँ उपस्थित हैं। आप तीर्थ नगरी प्रयागराज में आए जी, धर्म शिक्षा और न्याय का यह केंद्र है और यह वह धरती है जो दुनिया को दिशा देती है, भारत में जागृति उत्पन्न करती है। हमारी इस धरती ने ऐसे ऐसी महान विभूतियां पैदा की हैं जो इस भारत के पटल पे ही नहीं विश्व के पटल पे भी अपने योगदान से जानी जाती हैं और उनका एक स्थान है। आपने इस उम्र में जब नाती पोतों के साथ जीवन व्यतीत करने का आनंद लेने का होता है, आपने बीड़ा उठाया, उसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन मैं आपका जो उद्बोधन हुआ शुरू में, वह एक व्यापक विषय आपने खोला और जो हमारे सम्मानित साथियों ने, हमारे प्रयागराज परिवार के बंधु बांधवों ने आपके सामने बताया समस्याएं, वह प्रयाग की समस्याएं नहीं, वह इस देश की समस्याएं, हो सकता है अन्य देशों की भी समस्याएं। और यह समस्याएं जब से धरती पे मानव जीवन है तब से हैं और आगे भी रहेंगे, हमें उससे लड़ना है हमेशा। आप एक, हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं उसके लिए किसी न किसी प्रयोजन में लगे हैं, व्यापार में लगे हैं, व्यवसाय में लगे हैं, नौकरी में लगे हैं, बहुत सी बातें हैं। लेकिन हम आदमी एक व्यक्ति के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में समाज के प्रति भी हमारा उतना ही कर्तव्य होता है। और जो समस्याएं लोगों ने रखी हैं, अगर उसको इस देश के संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वैसे तो यह पश्चिमी विकसित लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का, अंबेडकर ने कहा था कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एक उधार लिया हुआ संविधान हम देश में चला रहे हैं, लेकिन जैसा भी चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भविष्य में हमें एक अपने संविधान की आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा नहीं, अब आप सुन लीजिए। नहीं ऐसा नहीं, सुन लीजिए, लोगों को भी सुनना है। हाँ, सबको सुन रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अपनी बात कर ले, अरे थोड़ा सा तो मौका दे रहे हैं ना जी, पर थोड़े इतने में तो हम खत्म करेंगे। नहीं 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 करेंगे, आप बोलिए। मेरा समझना है कि हम एक वेलफेयर स्टेट जहां शिक्षा, न्याय और चिकित्सा, लेकिन करूंगा विधानसभा चुनाव के बाद क्योंकि इस समय तो, लेकिन मैं उम्मीद जरूर करता हूं अच्छी बात कि आप एक संपादक के रूप में एक ऐसा योगदान करें कि यह देश का जो संविधान है वह सही दिशा में लागू हो। बस धन्यवाद। मैं असल में मैं इसलिए धृष्टता कर रहा था कि आपको बड़े विस्तार से सुना तो हम समझ रहे थे कि हम लोग को भी सुना जाएगा। नहीं सुन रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं बैकग्राउंड नहीं सुनना चाहता मुद्दे की, क्योंकि
सबको ही मुझे उतना सबको सुनना है बस। आप आज करेंगे खाने के टाइम पे, अभी बोल बात की बात कर लेंगे, कहाँ जाते हैं? मैं सिर्फ सुनने आया हूँ, निश्चित रहिए आप मेरे को कोई जल्दी नहीं भागने की, अपने में टालना चाहता हूँ, मैं अगर समझूंगा नहीं बात को। सब लोग यही है कि हम सुनने आ रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं करते नहीं। जिनको भेजते हैं हम लोग। मैं चंद्रशेखर सिंह एडवोकेट हूँ जी। इधर से और कुछ पीछे यहाँ कोई बोलेगी? पीछे पूछे हैं लोगों? हाँ बहुत से लोग। मुझे और कुछ ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारे लीडर को आपने सुना जी। अच्छा, हमारे अध्यक्ष रहे और यूपी भर जी 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 एडवोकेट की राजनीति करते हैं, तो प्रयाग के विषय में जो कुछ भी आपको समस्याएं थी आपने मूल रूप से सुना। समस्याएं कुल इतनी हैं जो क्या है समस्याओं का, समस्याओं के विषय में पूरे कारण तक हम नहीं पकड़ पाते, समस्याओं का कारण कोई और है। हमारे अगर हम अपनी निजी जिंदगी को हमें कर्तव्य बोध होना चाहिए। हर आदमी अपनी समस्या बता रहा था, उसको ये नहीं बता पाया कि उसने कितना उस समस्या में कंट्रीब्यूट कर रखा है। बड़ा स्पष्ट कर दें, ठीक है, चाहे आप हो या हम हो, ये जितनी भी समस्याएं हैं उनमें हमारा भी योगदान है। कोई ऐसी समस्या नहीं है, जैसे अभी आप परिवार की बात कर रहे थे कि सब पर दादा दादी ये करते हैं और बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, वो हमारा दोष है, बच्चों का दोष नहीं है। ये किसने कहा कि बच्चे दोषी? हमने तो मानते हैं। तो हम एक किसको कह रहे हैं? हम अगर स्वमेव एक काम कर ले, हमको ही समझना है, दूसरे को कहने की जरूरत नहीं है। यही मैंने कहा, उसके अलावा कोई बात कही नहीं है। मैं आपको दोषी भी नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न एक समस्या कहाँ आती है, मैं अपनी निजी जिंदगी को अपनी परंपरा के साथ जब तक जी रहा हूँ कोई समस्या नहीं आएगी। उधार के ज्ञान को अपने ऊपर ठोक करके यहाँ दूसरी दिशा में जाऊंगा तो समस्याएं आएगी, क्योंकि नहीं कर सकता। आपको मैं परिमार्जित वो बता दूं कि आपके जो सोकाल परंपरागत चीज है वो समय के अनुसार बदलती है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि समय के अनुसार बदलती है। शरीर नश्वर है, बदलता है, आत्मा नहीं बदलेगी समय के साथ। इसी को इस विद्या, हिंदुस्तान की विद्या में दोनों चीज सम्मिलित है, बाहर की विद्या में केवल शरीर सम्मिलित है। जब हम उसको अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं तो हमारे भीतर टकराव होता है और वहीं से समस्याएं चलती है। उसका उत्तर, उसका उत्तर शिक्षा में नहीं है। माफ करना, मेरा इसलिए सबसे करबद्ध निवेदन है कि हम अपने बच्चों से बात करें। वो बात दूसरा नहीं कर पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा और मेरे बच्चे को समझा भी नहीं पाएगा, और वो उसको मेरा प्रतिनिधि नहीं बना सकता अगली पीढ़ी के लिए, तो हम बना सकते हैं। यही मेरा निवेदन है कि हम आधा घंटा पौन घंटा अपने बच्चे को देके कहीं पे हमको लगता है, हर पीढ़ी को लगता है कि उसका बच्चा कुछ फिसल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चे कुछ हमें सिखा भी रहे। मुझे खुशी है अगर आप संतुष्ट हैं अपनी बात से, मुझे बहुत खुशी है, मुझे कुछ कहना ही नहीं उसके बाद। इधर देना का ये मानना है कि मीडिया कहते हैं और हम लोगों की आवाज जो है वो मीडिया ही है, और कलम की ताकत जो है जो होती है तो हम आप ही के थ्रू करेंगे। मेरा बड़ी समस्या आप नहीं उठाएंगे, उसी के लिए बैठे, उसी के लिए आए हैं, और ये कितने का नहीं उठा, सारी उठेंगे और आप खुद देखेंगे। अगर टीआरपी के हिसाब से मीडिया भी चलेगा या आप जो पढ़ना चाहते हैं वही आप पढ़ाएंगे, अंतर होना चाहिए। ये अंतर तो है, लेकिन उपयोग करने वाले को समझ में आना चाहिए ना कि मेरे को एक साबुन अच्छा नहीं लगता तो दूसरा लाऊंगा, तीसरा लाऊंगा, चौथा लाऊंगा। लेकिन आप साबुन बनाने वाले को नहीं कह सकते कि आप मेरी ऐसा साबुन बनाइए। मेरा ये निवेदन है, अगर हम चारों साबुन को एक एक करके सबको अजमाइश करना चाहें तो भी कोई रोकने वाला तो नहीं है। प्रश्न ये तो हमारा विवेक इस बात का निर्णय करे तो फिर एक ही रास्ता, दूसरे रास्ते नहीं है। हजारों धर्म, हजारों संप्रदाय, सबका अपना अपना निर्णय है। उसी तरह से जीवन के इन लक्ष्यों को भी हम उसी इंडिविजुअल व्यक्तिगत निर्णय मानने पड़ेंगे। अरे वो माइक देना प्लीज, प्रथम वरीयता कोई बोल रहे मुझे आज
आदरणीय कोठारी जी एवं इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, आपके विचारों से बहुत कुछ सीखा। मैं डॉक्टर सुरभि त्रिपाठी हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हूँ और निरंतर चिंतन मनन इस विषय पर चलता है कि हम अपनी पीढ़ी को, जैसा कि आपने कहा, अपनी माटी से कैसे जोड़ें, तो सर इसी दिशा में मैं कार्य कर रही हूँ। बहुत कुछ सीखा आप लोगों से मैंने। उधर को पीछे देखो वापस देगा और यहाँ से कितनी देर के लिए क्षमा चाहता हूँ। राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन साहब आपका इलाहाबाद नगर में स्वागत है। तो करीब ये आखिरी जो भी जिसको बोलना है अब आपका आखिरी बहुत देर हो गई है। मैं महेश प्रताप सिंह, एक मेरे एनजीओ है इलाहाबाद में ग्राम उद्योग विकास संस्थान जो पूरे देश में कार्यरत है। बहुत सारी समस्याएं सभी लोगों ने बताई है और मैं जो कुछ भी हो सकता है अपने संस्था के माध्यम से इलाहाबाद नगर में और अलग जनपदों में कार्य करता हूँ, इतना ही हो जाएगा। अब ऐसा है जो जो महानुभाव नहीं बोल पाए और बोलना चाहते हैं वो अभी मेरे पास आके मेरे से बात करते हैं। हम इस सभा को यही विसर्जित करते हैं और अब हम आप सब रात्रि भोज पर आपका स्वागत है। आपने जो वक्त दिया मैं उसका ऋणी हूँ, प्रयास करूंगा कि इस ऋण को किसी न किसी तरह से आपको वापस चुका सकूं। ईश्वर आपको भी बहुत आभार, बहुत आभार।